सवाई माधोपुर में इन दिनों लगातार जोरदार बारिश का दौर जारी है। इस बीच रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों से भरा एक कैंटर पानी में फंस गया, जिसे वन विभाग ने जैसे तैसे पर्यटकों को उससे बाहर निकाला। वही कैंटर का मंगलवार को रेस्क्यू किया जाना है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पर्यटन डीएफओ प्रमोद धाकड़ ने बताया कि सोमवार शाम करीब 5 बजे पर्यटकों से भरा एक कैंटर सफारी के दौरान कुंडाल वन क्षेत्र में पानी में फंस गया। यहां ड्राइवर की गलती से दूसरे रास्ते का प्रयोग करते हुए बरसाती नाले में कैंटर को डाल दिया। गनीमत यह रही कि कैंटर में मौजूद 10 पर्यटकों को पहले ही नीचे उतार दिया गया। इस दौरान कैंटर नाले में फंस गया, जिसकी सूचना पर्यटकों और गाइड ने वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग ने तुरंत दूसरा कैंटर पर्यटकों के लिए मौके पर बुलवाया और पर्यटकों को जंगल के बाहर भेजा गया। वही कैंटर अभी भी बरसाती नाले में वो फंसा हुआ है। सोमवार को अंधेरा होने के चलते कैंटर को नाले से बाहर नहीं निकाला गया। अब कैंटर को ट्रैक्टर की सहायता से बाहर निकाला जाना है। फिलहाल घटना के बाद वन विभाग की ओर से आगामी 2 दिनों के लिए नंबर 6 में टाइगर सफारी पर रोक लगा दी गई है। डीएफओ के अनुसार 2 दिन के बाद परिस्थितियों को देखते हुए सफारी के लिए निर्णय लिया जा रहा है। मानसून सीजन के दौरान रणथंभौर के मुख्य जोन 1 से 5 में 3 महीने के लिए पर्यटन बंद कर दिया जाता है। वहीं रणथंभौर के बाहरी जोन 6 से 10 में पर्यटन चालू रहता है। फिलहाल ज्यादा बारिश के चलते जोन 7, 8, 9, 10 में पहले से ही पर्यटन बंद है और अब वन विभाग की ओर से जोन 6 में भी पर्यटन बंद कर दिया गया है। हालांकि 2 दिन बाद वन विभाग की ओर से सफारी करवाने को लेकर निर्णय लिया जाना है। सवाई माधोपुर में इन दिनों लगातार जोरदार बारिश का दौर जारी है। इस बीच रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों से भरा एक कैंटर पानी में फंस गया, जिसे वन विभाग ने जैसे तैसे पर्यटकों को उससे बाहर निकाला। वही कैंटर का मंगलवार को रेस्क्यू किया जाना है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पर्यटन डीएफओ प्रमोद धाकड़ ने बताया कि सोमवार शाम करीब 5 बजे पर्यटकों से भरा एक कैंटर सफारी के दौरान कुंडाल वन क्षेत्र में पानी में फंस गया। यहां ड्राइवर की गलती से दूसरे रास्ते का प्रयोग करते हुए बरसाती नाले में कैंटर को डाल दिया। गनीमत यह रही कि कैंटर में मौजूद 10 पर्यटकों को पहले ही नीचे उतार दिया गया। इस दौरान कैंटर नाले में फंस गया, जिसकी सूचना पर्यटकों और गाइड ने वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग ने तुरंत दूसरा कैंटर पर्यटकों के लिए मौके पर बुलवाया और पर्यटकों को जंगल के बाहर भेजा गया। वही कैंटर अभी भी बरसाती नाले में वो फंसा हुआ है। सोमवार को अंधेरा होने के चलते कैंटर को नाले से बाहर नहीं निकाला गया। अब कैंटर को ट्रैक्टर की सहायता से बाहर निकाला जाना है। फिलहाल घटना के बाद वन विभाग की ओर से आगामी 2 दिनों के लिए नंबर 6 में टाइगर सफारी पर रोक लगा दी गई है। डीएफओ के अनुसार 2 दिन के बाद परिस्थितियों को देखते हुए सफारी के लिए निर्णय लिया जा रहा है। मानसून सीजन के दौरान रणथंभौर के मुख्य जोन 1 से 5 में 3 महीने के लिए पर्यटन बंद कर दिया जाता है। वहीं रणथंभौर के बाहरी जोन 6 से 10 में पर्यटन चालू रहता है। फिलहाल ज्यादा बारिश के चलते जोन 7, 8, 9, 10 में पहले से ही पर्यटन बंद है और अब वन विभाग की ओर से जोन 6 में भी पर्यटन बंद कर दिया गया है। हालांकि 2 दिन बाद वन विभाग की ओर से सफारी करवाने को लेकर निर्णय लिया जाना है।